अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अब ये दूसरी वीडियो है हमारी चैप्टर 13 कंट्रोल अकाउंट्स की, ठीक है। अच्छा अब जैसे हमने वो पहली वाली वीडियो में पढ़ा था जो हम कंट्रोल अकाउंट क्यों बना देंगे सारी चीज़ें, तो मैं आप लेके वापस नहीं चाहूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि जैसे रिसीवेबल में बताया था इसी तरीके से पेबल्स के अंदर हम लोग क्यों बनाते हैं और ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। तो सबसे पहले वही परचेज इनवॉइस की ट्रांजेक्शन होती है, तो हम परचेज डेबिट कर दें, सेल्स टैक्स डेबिट करते हैं और अकाउंट पेबल हमें टोटल अमाउंट लाइक रिसीवेबल हमें पे करना होता है तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। क्रेडिट नोट फॉर परचेज नोट नोट परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट के लिए एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट और आपका अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि इससे हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। पेमेंट टू सप्लायर अकाउंट पेबल डेबिट और अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, ठीक है। या डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनकम, वो क्रेडिट होती है इंक्रीज होने पर। अच्छा अब एग्जांपल फ्रॉम बुक लेके चलते हैं, तो बुक की ये एग्जांपल है आपकी, सेम वे में जैसे पहली वीडियो में हम लोगों ने किया था वैसे ही यहाँ पे परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक और कैश बुक है और ये बैलेंसेज हैं आपके पास और वही बैलेंसेज की एंट्रीज पास हो रही हैं यहाँ पे। पेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट आपका हुआ परचेज अकाउंट, ये इस अमाउंट से 10050 से, फिर इसके अलावा हमारा 2010 से सेल्स आ गया, ये यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो गया और हमारा 12060 से ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। परचेज रिटर्न हमारी परचेज रिटर्न की बुक से देख लेते हैं, ये भी 528 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और 88 हमारे पास सेल्स टैक्स के कॉलम में आ रहा होगा और परचेज रिटर्न के कॉलम में 440 आ गया, ठीक है। अगर हम इस 440 को और इस 88 को कंबाइन करें तो ये देखें सम 528 आ रहे हैं, ये रहा 528 डेबिट और ये दोनों को मिला के क्रेडिट, सही है। तो ये हमारा मैच हो गया कि भाई यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आ रहा, और डिस्काउंट रिसीव अपनी जगह पे कायम है। डिस्काउंट रिसीव जो आपके पास यहाँ पे पेएबल को आपको रिड्यूस कर रहे हैं, आपके पेएबल को रिड्यूस कर रहे हैं, डेबिट हो रहा है तो डेबिट होने का मतलब होता है पेएबल रिड्यूस हो रहा है और डिस्काउंट रिसीवेबल क्रेडिट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब हमारी इनकम कंसिडर कर ली जाएगी एक तरीके की, ठीक है। वैसे तो ये परचेज के कॉलम के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज में से हमें रिड्यूस करना होता है। अच्छा अब इसी को हम अपनी बैलेंसिंग फिगर को लाइक रिसीवेबल हमें जो है वो हम इंडिविजुअल सप्लायर से मैच कर लेंगे। अच्छा मैंने अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरी क्योंकि ये डिटेल्स भरने से भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने जानबूझ के छोटी छोटी बात की है। 1728 आपके पास इंडिविजुअल सप्लायर का अगर मैं बैलेंस यहाँ से देखूँ 1728 आ रहा होगा, मेरा 1728, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में कोई परचेज रिटर्न नहीं है और एस ने पेमेंट की है 1728 की और एस ने एक और परचेज की है नीचे 756 की, तो 756 और 1728 से एस जो है वो डेबिट हो रहा होगा, ये देखें 1728 से डेबिट हो रहा है और इन दोनों से क्रेडिट हो रहा है, मतलब आप एस की लायबिलिटी अपने सर पे बढ़ा रहे हैं कि एस को आपको कितने पैसे देने हैं। इसी तरीके से हम हर इंडिविजुअल सप्लायर का भी लाइक रिसीवेबल बना लेते हैं, ठीक है, लेजर्स टी अकाउंट्स बना लेते हैं और हम एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं जैसे हमने रिसीवेबल में बनाई, और वही हमने रिसीवेबल में जो बनाई है वो हमने जो रिकन्सिलिएशन बनाई है सेम वे में हमने जो है वो यहाँ पेबल के लिए बनाई और इसका टोटल जो है वो ये आ गया। अच्छा ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ ना इसका मतलब हमने इसको एडिशनल पैसे दे दिए ईस्टर्न वाले को, ठीक है, ये देखें तो ये इसीलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, तो आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस 4115 आना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का, तो देख लेते हैं मेरा 4115 डेबिट आ रहा है, सही है। तो ये हमारा मैच हो गया कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए मैं पहले 3 वीडियोस बनाने का था लेकिन ये जल्दी हो गया तो मैं 2 वीडियोस में ही बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, बल्कि चलें 3 पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।